हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। तो आप लोगों ने बहुत खाई होंगी, लेकिन आपने इस चीज़ की पकौड़ी नहीं खाई होंगी। तो देखिए मैं आज इसकी बनाने जा रही हूँ। ये केले के छिलके हैं, मैंने इस तरीके से बराबर बराबर से मैंने काट लिए हैं, और इसकी आवाज़ हम पकौड़ी बनाने जा रही हैं शाम के नाश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं तेल डाल रही हूँ ताकि मेरा तेल गर्म होता रहे। बेसन ये मैंने लिया, 4 चम्मच बेसन लिया है, और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सूजी, और ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच सूजी डाली, और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, ये कुटी हुई मिर्चें, और ये नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो कि कलर के लिए है, और ये मैं थोड़ी सी हींग ले रही हूँ, थोड़ी सी हींग, इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लेते हैं। इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। चावल का आटा भी पड़ता है, और इसमें अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी डाल लीजिए। सूजी से क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियों होती हैं, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी होंगी। तो देखिएगा कि मेरा बेसन गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है, तो ये मैं इसको 5 मिनट के लिए रखती हूँ। तो चलिए देखिए, मेरा बेसन जो मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, जो हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और एक ये आधा चम्मच जिस हिसाब से बेसन उस हिसाब से ये गरम तेल डाल करके इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। मेरा तेल भी हो गया है, ये छिलके जो है मैंने बराबर से लिए हैं। हर एक चीज़ का अपना एक तरीका होता है, इन्हीं को छोटे और बड़े काटते तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक ही एक साइज़ के हैं तो देखिए कितने अच्छे लगेंगे एक साइज़ के हैं। ये मैं बेसन में डाल रही हूँ, और इस तरीके से तेल भी मेरा हो गया, और इस तरीके से हम इसको मिक्स करके और एक एक करके हम इसको इस तरीके से डालें। क्रिस्पी भी होगी जो मैंने इसमें डाला है चावल, वो सूजी डाली है मैंने, और सूजी ना डाल करके आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कभी कभी चावल का आटा नहीं होता है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे। ये देखते हैं, सारे मेरे पीसेस जो हैं वो कवर हो गए हैं पूरी तरह। ये देखिए मेरा कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, अब हम इनको निकालेंगे। सारों को निकाल देते हैं, सारों को निकाल के, ये मेरे पास थोड़े सॉस बचे हैं,
डाल देंगे। एक साइड साइड से डालेंगे तो हमको जगह भी मिलती जाएगी और आराम से ये डालने के लिए हमको जगह मिलती जाएगी और उनको भी जगह मिलेगी कढ़ाई में फूलने के लिए। मैंने केले की पकौड़ी तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं ये चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत अच्छी होगी, टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। चटनी है और ये मेरे चिप्स हैं और ये मेरी चाय है। चटनी देखिए मेरे केले के, ये मेरी तैयार हो गए केले के चिप्स की पकौड़ियाँ हैं। आप भी बनाइएगा और आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, इंजॉय करिए और टेस्ट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आइए आप लोग भी आइए, शाम का नाश्ता करिए। ये चाय है, ये केले की पकौड़ियाँ हैं, चटनी है हरी धनिया की। अब चलिए एंजॉय करते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं।